the integral. Let us consider the integral, closed integral C f z dz over the closed contour C consisting of the real axis from minus r to r and the semicircle CR of the radius r in the upper half plane. यानी एक हमने एक सपोज किया है, हमें निकालना वैल्यू इवैल्यूएशन ऑफ माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी की है, लेकिन उसके लिए हमने क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड सपोज किया है, जहां पे सी जो है वो पूरा कंटूर है, कंटूर का मतलब माइनस आर से आर और सेमी सर्कल, ये पूरा एरिया जो है वो आपका कंटूर रहेगा. यानी ये जो है आपका एरिया, इस एरिया को हम कंटूर कहते हैं. अब देखिए लिखा है वी टेक कैपिटल आर लार्ज इनफ सो दैट ऑल द पोल्स ऑफ एफ जेड इन द अपर हाफ प्लेन लाई विद इन सी. यानी यहाँ पे हम एक कैपिटल आर रेंज लेंगे, लार्ज कर देंगे, सो दैट जिसमें सभी पोल्स इसके अंदर आ जाएंगे. बाई रेसिड्यू थ्योरम वी हैव क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू दी 2 पाई आई और ब्रैकेट में सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड इन द अपर हाफ प्लेन. अब क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड है तो इसको ब्रेक कर देंगे क्लोज इंटीग्रल सी आर एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल माइनस आर से आर एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये ऊपर का जो है वो माइनस आर से आर जो है एक्स एक्सिस है, तो इसलिए एफ एक्स डी एक्स लिखा है, लेकिन इंटीग्रल सी आर जो है एफ जेड डी जेड है, यानी ये एक्स वाई प्लेन है, यानी ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा है. यहाँ पे एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है, इज इक्वल टू दी 2 पाई आई और ये सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड इन द अपर हाफ प्लेन ब्रैकेट में सेंस ऑन द रियल एक्सिस जेड इज इक्वल टू द एक्स. इसके बाद लिखा है फॉर लार्ज आर, आर को बहुत लार्ज कर दिया है, जब आर को लार्ज करेंगे यानी आर टेंड्स टू इंफिनिटी तो हियर द पावर ऑफ जेड इन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर सो दैट लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी क्लोज इंटीग्रल सीआर एफ जेड डी जेड टेंड्स टू जीरो, इतना ज्यादा तो ये जीरो की तरफ टेंड्स हो जाएगा, तो इस तरीके से ये टर्म हो जाएगा जीरो, वो आएगा इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी 2 पाई आर सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड इन द अपर हाफ प्लेन. तो यही मेथड है. अब इस पे पहला न्यूमेरिकल देखिए, लिखा है इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब. तो हमने सपोज कर लिया है कि लेट अस कंसीडर, यानी जो x था उसको z मान लिया है, लेट अस कंसीडर क्लोज इंटीग्रल c dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर की होल पावर 3 where c is the upper half part of the circle mod z is equal to the r and the line segment minus r to r. तो इस तरीके से 1 plus z square का whole cube को हमने ब्रेक कर लिया है z plus i का whole cube और z minus i का whole cube. फिर लिखा है here poles are whole हो जाएंगे z plus i और z minus i, यानी z is equal to the minus i comma i, यानी सो जेड इज इक्वल टू दी माइनस आई. अब देखिए जेड इज इक्वल टू दी माइनस आई जो है वो बाहर हो जाएगा क्योंकि वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू दी माइनस आई आपका यहाँ पे आएगा, ये माइनस आई हो जाएगा.
यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, तो इसलिए जो है बाहर हो जाएगा आपका, अंदर हो जाएगा जेड इज इक्वल टू द आई, इसके अंदर होगा। तो यहाँ पे सो जेड इज इक्वल टू माइनस आई इज आउटसाइड द बाउंड्री सी, सो वी नीड टू कैलकुलेट रेसिडुअल एट जेड इज इक्वल टू द आई इज ऑफ ऑर्डर थ्री। अब हम इसके जेड इज, ये देखिए नीचे बना भी है, ये नीचे बना भी है। अब z is equal to the i पे हम रेसिडुअल निकालेंगे, तो लिखा है लिमिट z goes to 3 minus 1 d 3 minus 1 upon dz 3 minus 1 z minus i का होल क्यूब upon z minus i का होल क्यूब into 1 upon z plus i का होल क्यूब z minus i का होल क्यूब। अब यहाँ पे जब ये आ गया है, अब इसके आगे देखिए, कि लिमिट जेड टेंस टू आई, और इसको सिंपलीफाई किया है, यानी आ गया 3/16 i। अब लिख दिया यूजिंग रेसिडुअल थ्योरम, तो इंटीग्रल सी 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड एंड डी क्यूब डी जेड इज इक्वल टू 2πi, और सिर्फ सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड इन अपर हाफ प्लेन में कितना है 3/16 i, आई आई कैंसिल हो जाएगा 3/8 π। तो अब इसको हमने ब्रेक किया है इंटीग्रल सी आर 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब डी जेड प्लस इंटीग्रल माइनस आर टू आर डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल 3π8। तो फॉर आर लार्ज है, तो आर टेंस टू इंफिनिटी, देन ये वाला पहला टर्म टेंस टू जीरो, क्लोजिंग इंटीग्रल सी आर 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब डी जेड टेंस टू जीरो। तो इस तरीके से ये जीरो हो जाएगा, और आर के प्लेस पे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रख देंगे, तो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इतना हो गया है, तो जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा 3/16। वाला कोई डाउट हो तो पूछिए पहले न्यूमेरिकल में, तो सेकंड न्यूमेरिकल बताएं। सर एग्जाम जा रहे, इंटीग्रल आएंगे, ये कैसे बचाएंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लगेगा? कहाँ पे? नहीं, एग्जाम में इसी टाइप के न्यूमेरिकल ही आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको यही न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा, और उसमें पूरे में है ही नहीं न्यूमेरिकल, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाले। ये भी आसान है, बस आपको रेसिड्यू निकालना मालूम हो, यानी जो अपर हाफ प्लेन में जो है उसमें आपका जो उसमें आएगा उसी को रेसिड्यू निकालना है, और जो अपर हाफ प्लेन में नहीं आएगा उसका रेसिड्यू नहीं निकालना है। और फिर उस इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल सी को आप ब्रेक कर दीजिए इंटीग्रल सी आर में और माइनस आर टू आर में, पहला टर्म जीरो हो जाएगा और दूसरे टर्म आर के प्लेस पे इंफिनिटी रख दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए और समझ में आएगा। लिखा है इवैल्यूएट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो ये हो जाएगा लेट अस कंसीडर क्लोज इंटीग्रल सी, इसको सपोज किया है z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर प्लस 4 dz, वेयर c इज द अपर हाफ पार्ट ऑफ द सर्किल, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू द r, एंड लाइन सेगमेंट माइनस r टू r। तो देखिए क्लोज इंटीग्रल c को हमने ब्रेक किया है z स्क्वायर अपॉन z प्लस i z माइनस i और z प्लस 2i z माइनस 2i। तो पोल यहां पे कितने आ जाएंगे? ये पोल हो जाएंगे प्लस माइनस आई और प्लस माइनस टू आई।
तो यहाँ पे आई और टू आई जो है वो अपर हाफ में जाएंगे और माइनस आई माइनस टू आई जो है नहीं है, इसलिए हमको सिर्फ आई और टू आई का निकालना है। हमको सिर्फ देखिए जेड लिखा है, ये हो जाएगा सो जेड इज इक्वल टू दी माइनस आई एंड जेड इज इक्वल टू दी माइनस टू आई इज आउटसाइड द बाउंड्री सी, सो वी नीड कैलकुलेट रेस्क्यू एट जेड इज इक्वल टू दी आई। तो z इज इक्वल टू दी माइनस आई और z इज इक्वल टू दी माइनस टू आई जो है वो आपका बाहर हो जाएगा आउट ऑफ आउटसाइड द बाउंड्री, इसलिए सो वी नीड टू कैलकुलेट रेस्क्यू एट z इज इक्वल टू दी आई। तो z इज इक्वल टू आई का रेसिड्यू निकालेंगे तो आएगा लिमिट z टेंड्स टू आई z माइनस आई और f z, तो इस तरीके से z माइनस आई कैंसिल हो जाएगा और जहां जहां z है वहां वहां i रख देंगे तो आएगा माइनस वन अपॉन सिक्स आई और इसी तरीके से रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू टू आई। तो ये हो जाएगा रेस्ट्यू एट जेड इज इक्वल टू दी टू आई, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट जेड टेंड्स टू टू आई जेड माइनस टू आई और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई जेड माइनस आई जेड प्लस टू आई जेड माइनस टू आई। तो इस तरीके से जेड के प्लेस पे जेड टू आई कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू दी टू आई, तो इसको हम करेंगे तो आएगा वन अपॉन थ्री आई यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन जेड स्क्वायर प्लस फोर डी जेड। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा टू पाई आई और माइनस वन अपॉन सिक्स आई और प्लस वन अपॉन थ्री आई, ये हो जाएगा पाई बाई थ्री और इस तरीके से ये पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे तो आ जाएगा माइनस आर से आर
वो आप कोई विकल सर क्लास ले रहे हैं क्या? जी यस सर हेलो यस सर ले रहे हैं यस की हाँ, तो उनका फोन आ रहा था। ठीक है, तो ये नुमाइंदा देख लीजिए, ये नुमाइंदा पूरा देख लीजिए, संभाल लीजिए, फिर हम लेफ्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जीरो और पाई बाई थ्री क्लास लेफ्ट कर रहे हैं उनका।